पंजाब में बीजेपी के खिलाफ किसानों का गुस्सा ठंडा होता नहीं दिख रहा है। ताजा विरोध अमृतसर के मजीठा हलके में देखने को मिला, जहां किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की अगुवाई में किसानों ने अमृतसर से बीजेपी के उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू का विरोध किया। दरअसल तरनजीत सिंह प्रचार के लिए अमृतसर के मजीठिया में पहुंचे थे, जिसकी खबर मिलते ही किसान उनका घेराव करने के लिए पहुंच गए। देखो तरनजीत सिंह संधू साहब जिहड़े साडे उम्मीदवार आ भाजपा दे, असीं उन्हां नूं कहा सीगा कि साडे नाल सवाल जवाब कर लो, उह सवालां जवाबां तों भज गए आ। और फिर असीं कहा फिर असीं विरोध करांगे, ते इत्थों तक आए आ, लागे आ पैलेस हैगा वा, तो भाजपा दी सरकार जिहड़ी आ जिहड़े उहदे उम्मीदवार आ, साडे दा सवाल आ वी लखीमपुर खीरीदान साहब सानूं क्यों नहीं मिलिया, तुसीं लिख के घल्लिया सीगा, थोड़ी आपदी सीगी वी MSP गरंटी कानून बना के देवांगे, बिजली सोध बिल उदों सीगा कहिंदे सी नहीं लै के आवां, तुसीं हुण बिजली बिल 2023 च वी बना के रख लिया हैगा वा। घेराव करने पहुंचे किसानों का कहना है कि वो बीजेपी उम्मीदवार के साथ शांतिपूर्वक बात करना चाहते हैं, पर बीजेपी के नेता किसानों के सवालों से खुद को बचा रहे हैं। हाँ देखो मैं कह पुलिस फोर्स लगे, साडा दा डर कोई नहीं, जां दा साडा प्रोग्राम पे उहनां दी रैली जा खलड़ पाउणा, असीं ते कहा भी जां तां सानूं काले झंडे विखा लैंदे हो साडा ते खड़े कर लो, जां सानूं सवाल जवाब करन दिओ। तां फोर्स जिहड़ी आ इलैक्शन कमीशन इस वेले बिल्कुल भाजपा दा, और अफसर पूरे डरे पए आ, पता नहीं उहने कित्थे टंग देणा वा, ते कल्ली सिक्योरिटी भाजपा नूं चाहीदी आ, बाकी देश दे किसे नागरिक नूं कोई सिक्योरिटी नहीं चाहीदी। पंजाब च नशा आम विक रिहा, पंजाब च कतलोगात रोज़ हो रही आ, उहदे लई कोई सिक्योरिटी नहीं हैगी, पिंड च कतल हो जांदा उत्थे मौके ते पुलिस नहीं पाउंदी, सिक्योरिटी सिर्फ भाजपा दे लीडरां नूं चाहीदी आ। इससे पहले भी किसान प्रदर्शनकारियों के द्वारा कई जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध किया जा चुका है, जिसके चलते पंजाब में बीजेपी उम्मीदवारों की सुरक्षा को केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाने का फैसला किया गया था। पंजाब में बीजेपी के खिलाफ किसानों का गुस्सा ठंडा होता नहीं दिख रहा है। ताजा विरोध अमृतसर के मजीठा हलके में देखने को मिला, जहां किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की अगुवाई में किसानों ने अमृतसर से बीजेपी के उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू का विरोध किया। दरअसल तरनजीत सिंह प्रचार के लिए अमृतसर के मजीठिया में पहुंचे थे, जिसकी खबर मिलते ही किसान उनका घेराव करने के लिए पहुंच गए। देखो तरनजीत सिंह संधू साहब जिहड़े साडे उम्मीदवार आ भाजपा दे, असीं उहनां नूं कहा सीगा कि साडे नाल सवाल जवाब कर लो, उह सवालां जवाबां तों भज गए आ। और फिर असीं कहा फिर असीं विरोध करांगे, ते इत्थों तक आए आ, लागे आ पैलेस हैगा वा, तो भाजपा दी सरकार जिहड़ी आ जिहड़े उहदे उम्मीदवार आ, साडे दा सवाल आ वी लखीमपुर खीरीदान साहब सानूं क्यों नहीं मिलिया, तुसीं लिख के घल्लिया सीगा, थोड़ी आपदी सीगी वी MSP गरंटी कानून बना के देवांगे, बिजली सोध बिल उदों सीगा उह कहिंदे सी नहीं लै के आवां, तुसीं हुण बिजली बिल 2023 च वी बना के रख लिया हैगा वा। घेराव करने पहुंचे किसानों का कहना है कि वो बीजेपी उम्मीदवार के साथ शांतिपूर्वक बात करना चाहते हैं, पर बीजेपी के नेता किसानों के सवालों से खुद को बचा रहे हैं। हाँ देखो मैं कह पुलिस फोर्स लगे, साडा दा डर कोई नहीं, जां दा साडा प्रोग्राम पे उहनां दी रैली जा खलड़ पाउणा, असीं ते कहा भी जां तां सानूं काले झंडे विखा लैंदे हो साडा ते खड़े कर लो, जां सानूं सवाल जवाब करन दिओ। तां फोर्स जिहड़ी आ इलैक्शन कमीशन इस वेले बिल्कुल भाजपा दा, और अफसर पूरे डरे पए आ, पता नहीं उहने कित्थे टंग देणा वा, ते कल्ली सिक्योरिटी भाजपा नूं चाहीदी आ, बाकी देश दे किसे नागरिक नूं कोई सिक्योरिटी नहीं चाहीदी। पंजाब च नशा आम विक रिहा, पंजाब च कतलोगात रोज़ हो रही आ, उहदे लई कोई सिक्योरिटी नहीं हैगी, पिंड च कतल हो जांदा उत्थे मौके ते पुलिस नहीं पाउंदी, सिक्योरिटी सिर्फ भाजपा दे लीडरां नूं चाहीदी आ। इससे पहले भी किसान प्रदर्शनकारियों के द्वारा कई जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध किया जा चुका है, जिसके चलते पंजाब में बीजेपी उम्मीदवारों की सुरक्षा को केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाने का फैसला किया गया था। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।